शाही स्नान के पहले घाट की सफाई तो जोर शोर से हो रही है, अच्छी बात है, घाट साफ किए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि घाट की जो गंदगी है उसको साफ करने की बजाय उसको नदी में धकेला जा रहा है। तो जिस नदी को साफ रखने की पहले से बड़ी चुनौती है, लगातार ऑक्सीजनेट करने की कोशिश हो रही है, उस नदी में सारी जो गंदगी घाट पर थी, लोगों ने फैलाई थी, उसको नदी में धकेल दिया गया है। तो इससे नदी कितनी और खराब होगी ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। घाट जरूर साफ चमकते नजर आएंगे, शाही स्नान के लिए तैयार होंगे, साधु आएंगे, नहाएंगे, लेकिन नदी का पानी और अधिक प्रदूषित हो जाएगा। हमारे साथ हैं वैभव शर्मा जी, चरैवेती संस्था के माध्यम से जिम्मेदारी मिली है साफ सफाई की। और एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि लाखों लोगों की भीड़ और रेला आने के बावजूद एक जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है कि उज्जैन की गलियों में और घाटों के आसपास हमें लगातार सफाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में कुछ बताएंगे हमको? पूरे मध्य प्रदेश से स्वच्छता अभियान की टीम यहाँ पे 45 दिनों से काम कर रही है। करीब 150 लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं स्वच्छता अभियान के लिए काम कर रहे हैं। 150 लोग घाट पे कर रहे हैं, शहर में भी? शहर में भी कर रहे हैं। हम लोग पॉलीथिन लेके लोगों से और उनकी जगह उनको कपड़े के बैग दे रहे हैं जो चरैवेती प्रकाशन से के सौजन्य से बने हुए हैं, जो हम लोगों को वितरित कर रहे हैं लगातार उनसे पॉलीथिन लेके। और हम उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप पॉलीथिन का यूज़ मत करिए। एक मेरे को जो बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, सफाई हो रही है, घाट अच्छे साफ हो रहे हैं, शाही स्नान की तैयारी हो रही है, सब अच्छी बात है, लेकिन ये घाट की सफाई होके जो गंदगी है यहाँ की वो पूरी समेट के नदी में ही डाली जा रही है वापस। तो और जो पहले गंदी होगी वो नहा रहे हैं लोग, लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, उससे जो उसमें पहले से ही गंदगी होगी वो और गंदी होगी। घाट की गंदगी नदी में ना जाने पाए, आप बनारस की घाट पर जाकर देखिए, व्यवस्था ये होती कि वहाँ से सफाई होके बाहर निकाल दी जाए। तो ये बड़ी दिक्कत मुझे टेक्निकल कमी दिख रही है, इसका क्या कारण है? पुराने घाट हैं असल में उज्जैन के, जिन घाटों का अभी तक बदला नहीं जा सका है, और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए नए सिरे से घाटों को बनाना पड़ता है। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, सब जानते हैं, बहुत पैसा खर्च हुआ है नए घाट बनाने के नाम पर, सब जानते हैं, आखिरी समय तक फर्शियां और सीमेंट लगता रहा। क्या इसकी ढलान ऐसी नहीं बनाई जा सकती थी कि सारा पानी और कचरा अपने आप एक तरफ एक नाली में जाकर घाट की दूसरी तरफ चला जाए? हो सकता है। सारा पानी नदी में जा रहा है, जो नदी पहले से काफ़ी गंदी हुई है इतने लोगों के नहाने से, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए खर्च करके जीवंत किया। पिछली बार तो टैंकर के पानी में सिंहस्थ हुआ था, इस बार माँ नर्मदा के पानी में हो रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले 12 साल में खुद शिप्रा के पानी में हो जाए। तो आप लोग तो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, आप इस पर उंगली क्यों नहीं उठाते कि ये गंदा पानी फिर से नदी में ना जाए? ये बात हमने लगातार उठाई है हमारे मंच पे, जहाँ पे भी हम उठा सकते हैं, लेकिन अभी इस विषय पे कुछ ज़्यादा बता पाना मेरे इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीधे संगठन और सरकार की है, जो इस विषय को उठाते और अच्छी तरीके से निपट सकते थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे हम पार्टी के लोग और जनता खुश है, ऐसा देखने में मिल रहा है। पार्टी अपनी वाहवाही कर सकती है, वैभव शर्मा जी के नेतृत्व में अगर 150 लोगों की टीम ने सफाई की है तो उसका जो उनको क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, उस सफलता का श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही ये देखना चाहिए कि कोई तो जिम्मेदार ये देखे कि इस गंदगी को सारी नदी में क्यों डाला जा रहा है, और इस गंदगी को नदी में जाने से बचाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं, तब हम देश दुनिया के सामने एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। सिंहस्थ के नाम पर हर 12 साल में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी व्यवस्था नहीं बना सकते कि एक नाली हो, एक चैनल हो, जिसमें गंदगी इकट्ठी होती जाए साफ होकर, और उस चैनल के माध्यम से ढलान ऐसी हो कि वो दूसरी तरफ निकले, बजाय कि नदी को ख़राब करने के। जिस नदी को पहले से ही साफ रखना एक बड़ी चुनौती है, उसमें गंदगी जा रही है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों का हक इनसे नहीं छीन सकते जिन्होंने लगातार भिड़कर मेहनत कर कोशिश की है इन घाटों को साफ करने की। आप सबको बधाई, और सिंहस्थ अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिंहस्थ के सबक से हम अगले सिंहस्थ को और बेहतर बनाएंगे, और मध्य प्रदेश में उज्जैनी की इस धरा पर और ज़्यादा लोगों का स्वागत और बेहतर तरीके से करेंगे। ये शनि मंदिर के पास बनाया हुआ नया घाट है, और जैसा कि हम देख सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सिंहस्थ का अंतिम शाही स्नान भी है, लोग परिवार सहित यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और 2016 के सिंहस्थ की ये बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि लगभग 8 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे स्थान पर घाट बनाए गए हैं, और जो लोग केवल रामघाट और नरसिंह घाट के लालच में नहीं पड़ना चाहते, वो लोग इस तरह से यहाँ पर आकर परिवार सहित डुबकी लगाकर इतने पवित्र दिन स्नान का आनंद उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन को उसकी सोच के लिए बधाई देना चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ पर इंदौर से आने वाले अधिकतर लोग और इंदौर रोड से आने वाले अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों को यहीं पर रोक कर अंदर, आज लाखों लोग हैं, उज्जैन की सड़कें जाम हैं, वहाँ जाने के बजाय यहीं पर स्नान का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हालांकि काफ़ी भीड़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्नान की सुविधा उपलब्ध है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पानी अपेक्षाकृत ज़्यादा साफ है, इस वजह से यहाँ पर लोग परिवार सहित, छोटे बच्चों सहित स्नान का, डुबकी का, पवित्र डुबकी का आनंद ले रहे हैं। ये डुबकी सिंहस्थ की और हर पवित्र पर्व की बड़ी प्रतीक बन चुकी है। इन पर्वों पर स्नान का हिंदुस्तान की संस्कृति में बड़ा महत्व है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा को शिप्रा में लाकर जीवन देने का क्या महत्व है वो इस तरह के दृश्य हमें बता सकते हैं। बीएसएनएल का अकाउंट ऑफिसर हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। परिवार सहित आए हम। आप कहाँ से आए? इंदौर से आए। ग्वालियर? ग्वालियर। ग्वालियर से आए। कैसी लगी? बढ़िया। इंदौर से सर? व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। इसलिए आए आप? स्नान है ना सर, इसलिए आए। तो आप उधर रामघाट तरफ क्यों नहीं गए? वहाँ भी गए थे, वहाँ भी नाली, यहाँ भी नाली। अच्छा, दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। क्या नाम है सर आपका? चांद नारायण मज्जू। कैसी लगी व्यवस्था आपको यहाँ? यहाँ से व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पानी बल्कि ज्यादा साफ है। हाँ, यहाँ का पानी साफ है और अच्छा है पानी।